हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुतबा खान किचन। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल रुतबा खान किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रक्षाबंधन स्पेशल एक चॉकलेट की मिठाई। तो इसके लिए पहले हम ले लेंगे, हमने ये 200 ग्राम मावा ले लिया है, एक बाउल में डाल लेंगे इसे। और 3 चम्मच लेंगे हम ये मिल्क पाउडर, ये डालेंगे। दो चम्मच डालेंगे हम पाउडर शुगर और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिठाई बिना गैस जलाए आसानी से बनकर तैयार हो जाती है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसको एक डो की फॉर्म में हम कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको डो की फॉर्म में बना लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे एक बाउल में, ये थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। और इसमें मिलाएंगे हम कोको पाउडर, कोको पाउडर मिला देंगे हम इसमें 1 चम्मच। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी दोनों ही पार्ट्स तैयार हैं, चॉकलेट वाला और वाइट वाला। तब इनको साइड कर देंगे और हम लेंगे यहाँ चॉकलेट वाला और इसका एक रोल तैयार करेंगे। इसको अगर बिखर रहे हो तो हाथों से थोड़ा सा इस तरह से कर लें। तो अब हम एक चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह की कोई क्लीन रैप लगा लेंगे, आपके पास ये ना हो तो एल्युमिनियम फॉइल लगा लें। और इसको हम इस तरह से फैलाएंगे रोटी की तरह, और ये इसकी वाइट लेयर लेंगे हम और इसको भी इस तरह से रोटी की तरह फैलाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। तो अब इसको करेंगे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो इसको दबा देंगे, तो हमने इस तरह से इसको रोल कर लिया है और साइड भी सेट कर देंगे। और हम इसको लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो 1 घंटा हो चुका है और रोल अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको करेंगे हम कट। पहले इसको निकाल लेते हैं पॉलिथीन में से। और ये देखिए, अच्छे से सेट हो गया है ये। अब करते हैं इसे कट। तो आप जितने बड़े पीस चाहें उतने बड़े कट कर लें। तो अब इसको हम एक दूसरी शेप दे देंगे पेड़े की, इस तरह से हाथ पर लेंगे और इस तरह से हम बना देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। इसी तरह हम सभी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी रक्षाबंधन स्पेशल सभी मिठाई बनकर तैयार है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।